इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप प्लस रैंप का ये ग्राफ दे रखा है, इसका क्या करने वाले हैं, इक्वेशन लिखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे जैसे हम अभी तक लिखते हुए आए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रैंप का पार्ट है, कौन सा स्टेप का पार्ट है। ठीक है, जो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती है केवल वही स्टेप का पार्ट होती है, अदरवाइज सारी की सारी लाइंस जो होंगी ग्राफ पे वो होंगी हमारे रैंप का पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेप वाले जो वर्टिकल लाइंस है उनको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड से पहले मुझे रैंप यहाँ पर मिल जाएगा, ये क्या जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ पहला ये जा रहा, दूसरा ये जा रहा। ठीक है, उसके बाद ये तो लाइन है, ये भी लाइन है, फिर यहाँ पे क्या, ये नीचे की तरफ आने लगा, उसके बाद फिर यहाँ पे ये लाइन नीचे आ गया। ठीक है, तो चार इसमें क्या हमारे स्टेप के पार्ट है। ठीक है, इन सब की वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू वाई, वाई की वैल्यू लिखते हैं केवल, वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे कितनी है, वन। तो जहाँ पे मैं जीरो पे था, वन पे पहुंच गया, तो कितना चेंज चलना पड़ा मुझे, वन का। ठीक है, तो वन मैं इसको सर्किल कर देता हूँ। आगे देखो, फिर यहाँ पे ये वन पे था, ठीक है, वन पे था, और यहाँ किस पे पहुंच गया, टू पे। तो कितना चला मैं, केवल वन स्टेप ऊपर चला। जब ऊपर चलता हूँ तो प्लस का, नीचे चलता हूँ माइनस का, या ऐसा कर सकते हैं। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल में वन पे था, फाइनल पहुंच गया दो पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी टू माइनस वन, वन। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे मैं कहाँ पे था, टू पे था, और नीचे आ गया वन पे, तो वन माइनस टू, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कितना आ गया, माइनस का वन। अगेन देखो, मैं वन पे था और कहाँ पे पहुंच गया, वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, तो जीरो माइनस वन, अगेन माइनस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे रैंप का, बहुत ध्यान से लिख रहा। देखो, रैंप के लिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होंगे, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन सबका स्लोप होता है जीरो। तो पहले एक्स एक्सिस पे यहाँ पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो इसका स्लोप हो गया जीरो। अब आगे देखो, अगली लाइन आती है ये, फिर उसका स्लोप फाइंड करूंगा मैं, पहले इसका स्लोप फाइंड कर ले। तो स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे क्या होती है, दो पॉइंट की जरूरत होती है। स्लोप का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो दो पॉइंट चाहिए मुझे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो माइनस दो कोमा दो, और इस वाले के क्या हो जाएंगे, जीरो कोमा वन। ठीक है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो जीरो होती है, तो दो पॉइंट हमें मिल गए माइनस दो कोमा दो। अगला क्या मिला हमें, जीरो कोमा वन। क्या करते हैं, इस वाले को एक्स वन कहते थे, इसको वाई वन कहते थे, एक्स टू कहते थे, वाई टू कहते थे। ठीक है, ये छोटे नाइन्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वाई टू माइनस वाई वन यानी वाई वन माइनस टू, जीरो माइनस माइनस का दो, ये बचा माइनस वन, ये बचा नीचे दो, तो इसका स्लोप कितना आ गया, माइनस वन बाय। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको कोऑर्डिनेट को ऊपर से मैं मिटा दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आगे देखो, फिर इस अब मुझे क्या चाहिए, इस वाली लाइन की चाहिए, तो ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है इस टाइप से, तो एक एक पॉइंट तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है टू और वाई की वैल्यू है टू। ठीक है, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, जीरो जीरो वन, इसको मैं मिटा दूं, जीरो कॉमा वन। अगला क्या है, फिर टू कॉमा टू, तो स्लोप कितना आ गया, वाई टू माइनस वाई वन यानी टू माइनस वन, और टू माइनस जीरो कितना बचा, ये वन अपॉन टू, तो इसका स्लोप कितना आ गया, वन बाय टू। ठीक है, आगे ध्यान से देखो और कहाँ पे मिल रहा है मुझे। अभी देखो, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन सबका स्लोप जीरो होता है। अभी तो यहाँ पे भी छूट गया ना मेरे से, ये भी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये मिस्टेक मत कर देना, मुझसे हो गई थी। और यहाँ पर फिर क्या मिली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसका स्लोप जीरो। आगे फिर क्या, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को हमेशा इंक्लूड करना है, इसका स्लोप जीरो। ये सब लिखने के बाद अब क्या करेंगे, हम लिखने वाले इक्वेशन बहुत ही आसान तरीके से। देखो, जब एक पॉइंट पे स्टेप और रैंप आते हैं तो किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, स्टेप को। ठीक है, ये हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एक्स टी का मैं स्लोप लिखता हूँ, मैं चलो यहाँ से लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस तीन से पहले क्या रैंप चल रहा था, एकदम स्टेप आ गया। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं,
स्टेप को लिखूंगा, ठीक है। तो स्टेप कितने का? प्लस वन का, तो वन का वन, यू कितने पे? -3 पे, यानी टी प्लस 3 पे प्लस। अब -3 पे अगला क्या है? रैम्प है। देखो यहाँ पे क्योंकि जीरो आ रहा, तो कैसे लिखेंगे? -3 पे आगे वाला स्लोप माइनस पीछे वाला स्लोप। -3 पे आगे वाला स्लोप है जीरो, पीछे वाला स्लोप कितना है? जीरो, तो दोनों जीरो ही है। आर टी कितने पे? प्ले। देखो देख यहाँ पे ये क्या दिख नहीं रहा, लेकिन कहीं कहीं पे स्लोप कुछ और आया था, यही मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया ये हर पॉइंट को। आगे मैं बढ़ा, फिर क्या आया? टू पे आके अगेन क्या है? टू के पीछे एक बार फिर रैंप, टू पे सॉरी -2 के पीछे फिर रैंप, फिर -2 पे जाके स्टेप। तो पहले किसको लिखेंगे? स्टेप को, तो ऊपर की तरफ जा रहा है यानी +1, यू टी +2। तो रैंप को भी लिखेंगे, रैंप कितना है? -2 पे, -2 के आगे जस्ट स्लोप कितना है? -2 सॉरी -1/2, इसके जस्ट पीछे स्लोप कितना है? जीरो। तो इसका कितना आ जाएगा फाइनल? आगे वाला स्लोप माइनस पीछे वाला स्लोप है जीरो, और आर ऑफ टी +2, ठीक है। फिर क्या हुआ? जीरो पे जाने के बाद स्लोप अगेन क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या एक बार लाइन है, फिर तो स्लोप हो गया 1/2, पीछे का स्लोप है -1/2, दोनों को घटा देंगे। आगे वाला स्लोप माइनस पीछे वाला स्लोप, ये वाला माइनस की गलती बहुत होती है भैया, इसको मत गलत करवाना। कितने पे मिल रहा है ये? आर टी -0 पे, ये 0 पे है ना यहाँ पे एक्स की वैल्यू। आगे देखो, फिर यहां तक मैं पहुंचा, टू पे आते ही मुझे क्या एकदम स्टेप मिल गया, उसके आगे जस्ट रैंप भी है। तो पहले स्टेप को लिखेंगे, तो स्टेप एक नीचे की तरफ आ रहा है यानी -1, यू टी माइनस कितना है? तो अब रैंप को लिखो, रैंप कितना है? टी स्लोप जीरो हो जा रहा, इसके जस्ट पीछे स्लोप कितना था? 1/2, तो आगे का स्लोप है जीरो, इसके पीछे का स्लोप है 1/2। कितने पे है ये रैंप? हमारा 2 पे, ठीक है। आगे देखो, फिर यहां तक पहुंच गए। आगे फिर मैं बड़ा 2 से आगे जैसे आया, फिर रैंप आया, ठीक है। रैंप आते ही फिर आगे देखो स्टेप आ गया दोबारा से, तो फिर 3 पे क्या एक साथ रैंप भी है और स्टेप भी है। तो पहले स्टेप को लिखूंगा मैं, तो नीचे की तरफ आ रहा है वो, तो यानी -1 आ जाएगा। -1 यू ऑफ टी -3, और रैंप पे लिखना है तो रैंप के लिए भी लिखो प्लस। देखो ये चीजें दिखती नहीं है जब बुक में कहीं पर सॉल्यूशन दिया रहता है, लेकिन अगर ओरिजिनलिटी में देखना चाहोगे तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन ये होता है। तो 3 पे क्या? आगे स्लोप है 0, पीछे स्लोप कितना है? 0, ठीक है। तो 0 -0 आर टी -3, बस इसको सोल्व करके लिख दो। तो जब इसको सोल्व करके लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा इधर लाइन से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो इसका इसका आंसर मैं यहां पे लिखता हूं, कोई और पेन यूज कर लूं। एक्स ऑफ टी कितना आ जाएगा? सॉल्व करके लिख रहा हूं, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, यू टी +3, और 0 -0 0 ही बचेगा, 0 की आर टी +3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये तो पूरा ही 0 हो गया। आगे फिर आया 1 यू टी +2, यानी केवल यू टी +2। -1/2 में से 0 गया तो -1/2 रहेगा, आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता, आर टी +2, ठीक है। आगे देखो, 1/2 -1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 +1/2, 1/2 +1/2 होता है 1, ठीक है। तो 1 को लिखो मत लिखो, मैं एक बार सोल्व करके दिखा दूं, कोई कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि कैसा आ गया भैया ये 1। तो ये हो जाता है प्लस, तो माइनस आ जाते हैं, तो एलसीएम आ गया 2, 1 +1 होता 2, 2/2 कितना आ जाएगा? 1। तो ये कितना आ जाएगा ये वाला पूरा पॉइंट? 1 1 आर टी -0, यानी केवल आर टी। आई वाज समझ। नेक्स्ट आगे -1 लिखा तो केवल माइनस ही लिख लो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लाइन भरेगी। आगे देखो, फिर 0 -1/2 -1/2 ही बचेगा घटाने पे, आर टी -2।
आगे देखो फिर माइनस वन यू टी माइनस थ्री, तो केवल माइनस से ही काम चल जाएगा, ठीक है, वन लगाओ मत लगाओ। अगर क्या आ रहा फिर ये फिर से जीरो आ रहा, जीरो माइनस जीरो जीरो होगा, जीरो किस से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर हमारा बचा क्या आ गया, ये हमारा जब भी तुम बुक में देखोगे तो इस टाइप से आंसर मिलेगा, ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इस तरह के से हमें क्या होता है लिखनी होती है इक्वेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, देखो काफी आसान है लिखना इसको, ऐसा कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान रखना कहाँ पे स्लोप है कहाँ पे एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड होगा तो रैंप, अगर स्लोप है तो सॉरी एम्पलीट्यूड है तो स्टेप और स्लोप है तो रैंप, लेकिन हर जगह हर लाइन का स्लोप लिखना है। कुछ लोग एक्स एक्सिस वाले का स्लोप नहीं लिखते हैं, तो हमेशा लिखना जरूर है भाई साहब, अगर एक्स एक्सिस वाला स्लोप छोड़ दिया तो तुम्हारे आंसर में क्या आ जाएगा, मिस्टेक आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा ये पॉइंट बना के लिख लो कि भाई साहब कोने में कि एक्स एक्सिस का भी लिखना है और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है उसका भी लिखना है, ठीक है, सबका स्लोप लिखना है। अगर एक पॉइंट पे स्टेप और रैंप एक साथ आते हैं तो क्या करना, पहले स्टेप को लिखना फिर रैंप को लिखना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इस वीडियो में मैं जो होमवर्क प्रॉब्लम होता है वो नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, अगले वाले में जो वीडियो होगा उसमें जरूर आपको मैं देने वाला हूँ होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।